गुरुदास मान ने पूछा है, मेरे बार बार समझाने के बाद भी मेरी पत्नी मेरा हर बात समझते नहीं और मानती भी नहीं। इसके कारण से संसार में अशांति लगी रहती है। कृपया कैसे बात करने से मैं उसको समझा पाऊं, उसको मना पाऊं, इसके ऊपर आलोकपात कीजिए। मैंने बहुत प्रेम से भी समझाने का कोशिश किया, फिर भी वो नहीं समझती। कृपया अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदास मान, गुरुदास मान, कोई महिला 2 मिनट तक समझाने के बाद अगर तुम्हारा बात मान लेती है तो समझ लेना वो तुम्हारी मां है। अगर कोई महिला 10 मिनट तक समझाने की बात तुम्हारा बात मान लेती है तो समझना वो तुम्हारी बहन है। अगर कोई महिला 20 मिनट तक समझाने की बात तुम्हारी बात मान लेती है तो समझ जाना वो तुम्हारी लड़की है। और अगर कोई महिला बार बार समझाने की बात भी तुम्हारी बात नहीं समझती, नहीं मानती, तो समझ लेना वो औरत बहरी है। बीच बीच में बीबी को मत घसीटो, हर बात पे बीबी का दोष मत निकालो। यही तुम्हारी अर्चन का सबसे बड़ा कारण है। हमारे हास्य कथाएं, हमारे जोक्स, हमारी संस्कृति पति पत्नी में दोष निकालना सिखाता है। उसी में हमारे हास्य रस छुपा रहता। बात हास्य रस तक सीमित रहे तो अच्छा है, परंतु जब जीवन की कठिनाई में बात उतर आए तो फिर अपनी सीमा को उल्लंघन मत करो। किसने कहा तुम्हें कि जो तुम समझ रहे हो ठीक है, उस ठीक को दूसरों को भी अपनाना चाहिए। तुम अपने हिसाब के मालिक हो, यहां तक तो बात सही है। दूसरे तुमसे सम्मत हो सकते हैं, ये भी बात सही, परंतु अगर दूसरा तुमसे सम्मत ना हो तो ये उनकी स्वतंत्रता है और इस पर किसी का जोर नहीं है। तुम जोर करके दूसरों को बदलने का कोशिश छोड़ दो, हालांकि तुम ठीक भी हो और दूसरे गलत भी है। तुम अपना हिसाब, अपना गणित उनके सामने रख सकते हो। समझ लिया, अच्छा, नहीं समझा, फिर समझाए, अच्छा, परंतु तुम्हारा भी एक सीमा है, लोगों को समझाने का भी एक सीमा होता है। उसमें रहकर तुम अपना बात रखो, वो माने अच्छा, ना माने और भी अच्छा। पर तुम्हारा प्रेम इसलिए दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है कि वो तुम्हारे ही तथा सोचता तुम्हारे दर्शन के अनुसार चलेगा। अगर लोगों को इसीलिए प्रेम किया कि वो तुम्हारे दर्शन के अनुसार चल रहा है तो वो प्रेम नहीं है, वो बस अपने अहंकार को पुष्ट करने वाला विषय को प्रेम है, अपने को ही एक अहंकार में छुपा लेने का कोशिश प्रेम नहीं।
प्रेम तो विरोधी सत्ता को भी प्रेम करेगा, उसको ठीक करने का कोशिश भी करेगा, परंतु ना समझे तो स्वीकार। इस जगत में भी तुम बहुत अविचार देखोगे, इस जगत में भी देखोगे कि लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर उनसे प्रेम करते हो तो उन्हें सुधारने का बस कोशिश करो, सुधरे तो अच्छा, ना सुधरे तो उनके प्रति तुम्हारा प्रेम बरकरार रखो, क्रोधित मत हो जाओ, स्वीकार करो उनकी स्वतंत्रता, उनकी कमजोरी, उनकी परेशानी, उनकी मजबूरी है। वो नहीं समझ पाएंगे अभी, शायद कल समझ जाए, शायद परसों समझ जाए, शायद जिंदगी के आखिरी दिन में उनको समझ में आए, चाहे इस जन्म में समझ में ही ना, फिर भी क्या, तुमने अपना काम कर दिया, बाकी उनके हाथ में है। इस जगत में दूसरा आदमी को जोर करके बदलने का कोशिश खुद के ही ऊपर बार करना होता है। तुम एक हद तक जाकर दूसरों को बदल सकते, अपना कोशिश पूर्ण करो, बस तुम्हारा काम हो गया। अब कोई जोड़ नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, बस प्रेम है, स्वतंत्रता है और स्वीकार है। स्वीकार करो कि लोग मानते नहीं थे, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर में जीवन जीते हैं, उनकी समझ की एक स्तर होता है, उनकी अनुभूति का, उनकी भावनाओं का एक स्तर होता है, उनके जीवन का एक स्तर होता है, तुम्हारा जीवन का भी एक स्तर अभी है, पहले कोई दूसरा स्तर था, आज जो तुम्हें ठीक लगता है पहले ठीक ना लगता था, और कल जाकर वो भी ठीक ना लगेगा आज जो तुम्हें सही लगता है। जितने तुम जीवन के स्तर में जाते हो उतना ही तुम्हारा आमूल परिवर्तन हो जाता है, दूसरे इंसानों का भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। इसलिए अशांत मत हो, यही जगत का नियम है। तुम प्रेम के लिए उनको कुछ सजेशंस, कुछ उपदेश दे सकते हो, बोल सकते हो कि मैं ऐसा किया तो मुझे फल मिला, आप भी अपनाओ शायद अच्छा हो जाए। बच्चों को भी ऐसे ही प्रेम देना चाहिए, ना कि उनको जोर करके अपने ही विषय पर मना लेना, कोई बड़ी बात नहीं। हर एक व्यक्ति जिसको तुम प्रेम करते हो उसकी भी स्वतंत्रता है, उसकी भी मजबूरी है, हमेशा वो तुम्हारे स्तर पे आके नहीं समझ सकता, ये उनकी लिमिटेशंस है, उसको भी सम्मान करो। बीबी हमेशा नहीं सुन सकती तुम्हारी बात, इसको भी स्वीकार करो, शायद तुम सही हो वो गलत है, फिर भी अभी वो जो कर रही है उसके लिए सही लग रहा है। समय दो, प्रेम दो, शायद वो ठीक हो जाए, शायद वो तुम्हारी बातों को समझ पाए, और ना भी समझे फिर भी तुम्हारी कोई विफलता नहीं, तुम्हारी कोई दाय नहीं, क्योंकि तुम जो कर सकते थे तुमने वो किया, बस अपना दायरा जान, अपना लिमिट को पार मत करो, अपनी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, उसके उस पार में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको हानि मत पहुंचा, वहीं पर प्रेम छूट जाता है। जब तुम वो रेखा पार कर देते हो तब तुम दूसरों के प्रति हिंसा करते हो, यही सचमुच का हिंसा है। तुम अपने दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हो, परंतु दूसरों के दायरे पर प्रवेश मत करो, उन्हें अपना जीवन जीने दो।